सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप में से बहुत 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 सारे व्यूअर्स ने मुझसे बहुत 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 बार ये पूछा है कि मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए जो माइक्रोफोन है वो कौन सा काम में लेता हूं। तो यहां पर दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे इसी माइक के बारे में बात करने वाला हूं। ये है दोस्तों बहुत ही सस्ता सुंदर टिकाऊ माइक जो कि मैं यूज कर रहा हूं करीब पिछले 10-11 महीने से। आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए पहले हम करते हैं इस माइक की अनबॉक्सिंग और दोस्तों उसके बाद में आपसे बात करता हूं इसी माइक के कुछ टेस्टिंग पैटर्न्स के बारे में और उसके बाद में बताऊंगा कि क्या है असली प्रोज या फिर कॉन्स इस माइक को यूज करने के। दोस्तों, ये है यहां पे हमारे पास में बोया के BY-M1 माइक्रोफोन का एकदम छोटा सा सिंपल सा दिखने वाला बॉक्स जहां पे ज्यादा कुछ फ्लैशी तो है नहीं, बिकॉज जो माइक है वो है बिल्कुल सस्ता सुंदर टिकाऊ। यहां पे आपको बॉक्स के पीछे कुछ और डिटेल्स मिल जाती हैं इसी माइक के बारे में, जहां पे लिस्टेड हैं कुछ फीचर्स और कुछ स्पेसिफिकेशन। मेन बात यह है कि आप इसी माइक को कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के साथ में, अपने कैमरा के साथ में, अपने कंप्यूटर के साथ में, अपने ऑडियो रिकॉर्डर के साथ में। तो ये काफी वर्सेटाइल दोस्तों ऑप्शन है। और अगर आप खोलते हैं बॉक्स को तो अंदर आपको मिलता है एक बेसिक रेगजीन पाउच जिसके अंदर है सभी के सभी बॉक्स कॉन्टेंट्स, और इसके अलावा साथ में एक बेसिक गाइड भी है जिसकी आपको टेक्निकली कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज जो प्रोडक्ट है वो एकदम सिंपल। सबसे पहला दोस्तों यहां पर आपको मिलता है माइक, और भैया जो केबल है ना ये बहुत लंबी है, करीब 20 फीट की, जो इमरजेंसी कंडीशन में आप एक रस्सी की तरह भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पे है एक क्लिप इस माइक को अटैच करने के लिए अपने शर्ट या फिर टी शर्ट के साथ में, एक बैटरी है जो है LR44, एक आपको मिलता है फोम वाला विंडस्क्रीन, और साथ में है एक क्वार्टर इंच का अडेप्टर। अब दोस्तों यहां पे इस माइक के बीच में ये जो पोर्शन है इसको अगर आप ओपन करते हैं तो आप यहीं पर इस बैटरी को इंसर्ट करेंगे, जहां पर जो बैटरी लाइफ है वो टिपिकल जो मेरा यूज है जहां पर मैं दिन की 2 वीडियोज रिकॉर्ड करता हूं, फिर भी मैंने नोटिस किया है कि कम से कम 6 से 8 महीने तो आपकी बैटरी चल ही जाएगी। इसके नीचे दोस्तों यहां पर एक बेसिक सा बटन है जिसको आपको लेके आना होता है ऑन या फिर ऑफ की पोजीशन में। अगर आप कैमरा यूज कर रहे हैं तो आप इसको रखिए कैमरा मोड में, अगर दोस्तों आप इसको यूज कर रहे हैं किसी मोबाइल फोन के साथ में तो यहां पे आप इसको यूज करेंगे स्मार्टफोन मोड में, और पीछे एक क्लिप है जिसके चलते आप इसको अपने बेल्ट के साथ में अटैच कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों एकदम बिल्कुल बेसिक सा ये है इस माइक के अनबॉक्सिंग वाला एक्सपीरियंस। अब मैं आपसे बात करता हूं इस माइक के एक्चुअल ऑडियो क्वालिटी की। अब दोस्तों ये जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ ये मैं यूज कर रहा हूँ करीब पिछले 11 महीने से, और अब जाके इसकी बैटरी लो हुई और मैंने बाद में माइक ही नया ले लिया। मेरे को लगा कि शायद माइक में कुछ दिक्कत हो गई है, लेकिन जब बैटरी चेंज करी तो सब कुछ सिस्टम ठीक था। तो ये है दोस्तों वो माइक, और ये काफ़ी लंबा सा भैया इसका तार है, और मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो उसी माइक से कर रहा हूँ जो मैंने कनेक्ट किया हुआ अपने Canon 80D में। यहाँ पर दोस्तों कैमरा टू कैमरा परफॉर्मेंस वेरी कर सकती है, लेकिन जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि इस माइक के अंदर जो नॉइस कैंसिलेशन है वो बड़ा ही कमाल का है। मतलब आप कहीं पे भी चले जाएं, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, ये काफी हद तक जो बैकग्राउंड नॉइसेस को कंप्लीटली हटा देता है, जो आपके वोकल्स हैं वो काफी अच्छे से निकल के आते हैं। अभी जो आप अगला सैंपल सुनेंगे वो होगा कैनन 80D के इनबिल्ट माइक्रोफोन से, तो वो भी आप देखिए। दोस्तों यहां पे इस वीडियो में जो भी आप ऑडियो सुन रहे हैं वो आ रहा है डायरेक्टली कैमरा के माइक्रोफोन से। मैंने इस माइक को डिस्कनेक्ट कर दिया है तो जो क्वालिटी है उसमें दिन रात का फर्क होगा, और अभी अपन चेंज करते हैं वापस से इसी माइक की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो माइक है ये जब मैंने पहली बार परचेज किया इस साल जनवरी में तो मुझे इसकी प्राइस पड़ी थी करीब 400 रुपये के आसपास, जहाँ पे मैंने इसके साथ में जूम H6 को भी परचेज किया था। H6 दोस्तों बहुत ही कमाल का ऑडियो रिकॉर्डर है, लेकिन मुझे ये माइक इतना अच्छा लगा कि मैंने जूम H6 को कभी यूज़ ही नहीं किया, इनफैक्ट मैंने हमेशा इसी माइक को यूज़ किया। और यहाँ पे अभी जब मैंने इसको परचेज किया तो मुझे इसकी प्राइस पड़ी है दुबई में कुछ 850 के आसपास। ये दोस्तों इंडिया में अवेलेबल है फिलहाल 1900 रुपये की प्राइस में, और ये पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है अपने प्राइस को। काफी दोस्तों ये बजट रेंज का माइक्रोफोन है, जहां पे इनफैक्ट अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं फॉर एग्जांपल यूट्यूब के लिए अपने मोबाइल फोन से तो भी दोस्तों अगर आप इस माइक को यूज करते हैं तो आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफी इंप्रूव हो जाती है। हो सकता है कि जो आपके स्टैंडर्ड कैमरा ऐप है वो इसको सपोर्ट ना करे, लेकिन अगर आप काम में लेते हैं किसी थर्ड पार्टी कैमरा ऐप को तो आप बड़े ही आराम से इस माइक को अपने फोन के साथ में यूज कर पाएंगे। और इनफैक्ट मैं जो भी यूज कर रहा हूं ये है कैनन का 80D, तो जो क्वालिटी है वो आप देख लीजिए। हो सकता है दूसरे मॉडल्स हो या फिर दोस्तों नाइकन वगैरह जो है उसके साथ में थोड़ा सा आपको चेंज मिले, लेकिन ऑल इन ऑल ये जो
माइक है ये मुझे तो पर्सनली काफ़ी पसंद आता है। अब यहाँ पे अगर मैं से बात करता हूँ इसके प्रोज या फिर कॉन्स की, तो यार इसका प्रो और कॉन एक ही है कि उसकी केबल है ना वो 20 फीट की है। अभी 20 फीट देखा जाए तो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, जहाँ पे अपना आप कैमरा कहीं दूर रख सकते हैं और आप आराम से जो है वो घूम सकते हैं राइट लेफ्ट और माइक लगा के, आपको एक तरीके से वायरलेस वाली फीलिंग आएगी। लेकिन फिर यहाँ पे इस केबल को संभालना कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वो आप इसका मतलब अच्छा पॉइंट माने या फिर नेगेटिव माने वो आपकी मर्जी है। लेकिन दोस्तों ये जो माइक है ना ये मतलब बड़ा ही कमाल है। फिलहाल ये जो रूम है ये बिल्कुल भी मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है रिकॉर्डिंग के लिए, यहाँ पे दीवारें जो है वो पूरी खाली पड़ी हैं, तो आपको शायद कुछ एको भी आता होगा। लेकिन अगर एनवायरमेंट आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो जो क्वालिटी है वो मुझे तो पर्सनली काफी पसंद आती है भैया, जितना मेरा नॉलेज है ऑडियो के बारे में उसके हिसाब से। बाकी आप दोस्तों मुझे बताओ कि 1900 रुपए का ये बजट माइक आपको कैसा लगा। मैं तो इसी को यूज कर रहा हूँ पिछले 11 महीने से अपनी वीडियोज को रिकॉर्ड करने के लिए, और ये आप भी यूज कर सकते हैं अगर आप एक यूट्यूबर है। मैं आपको दूंगा बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो बस दोस्तों यही था फिलहाल इस वीडियो में। आप मुझे बताइए कि आने वाली वीडियोस मैं कुछ ऐसी प्लान कर रहा हूँ जहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा कि मैं खुद अपने कौन से गियर काम में लेता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, मैं वीडियोस शूट कैसे करता हूँ, मैं वीडियोस एडिट कैसे करता हूँ। तो अगर आपको दोस्तों देखनी है ऐसी कुछ वीडियोज तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, मुझे बताएगा नीचे कॉमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अगली वीडियो ऐसी इस सीरीज में कौन सा देखना पसंद करेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूले, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।